कोलकाता नाइट राइडर्स बनी आईपीएल 2024 की चैंपियन। तो चैंपियन बनने के बाद खिलाड़ियों पर हुई करोड़ों की बारिश, किस खिलाड़ी को कितने करोड़ रुपए मिले बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों आईपीएल 2024 की चैंपियन बनने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ियों पर तो पैसों की बारिश हुई है, साथ ही कौन सा खिलाड़ी बना है ऑरेंज कैप का विनर, तो साथ ही किसे मिला है पर्पल कैप, इसके अलावा कौन से खिलाड़ी को क्या अवार्ड मिला है और कितने रुपए मिले हैं, इसके बारे में तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी कोलकाता नाइट राइडर्स की शानदार जीत को देख कर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। साथ ही दोस्तों आपको इस आईपीएल 2024 में किस खिलाड़ी का बेहतरीन परफॉर्मेंस लगा सबसे, आप हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं सभी अवार्डों के बारे में कि आखिरकार किस खिलाड़ी को कौन सा अवार्ड मिला। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम आपको बता देते हैं आज के मुकाबले का हाल। तो दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए मात्र 10.3 ओवर में ही इस मुकाबले को 8 विकेट से जीतकर आईपीएल 2024 की चैंपियन बनी और तीसरी बार खिताब को अपने नाम किया। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने 114 रनों का लक्ष्य ही रख पाई थी सनराइज हैदराबाद की टीम, और यह कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए एक शानदार जीत रही। वहीं पर चले दोस्तों अब हम जानते हैं सबसे पहले अवार्ड के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहला अवार्ड आज के इस फाइनल मुकाबले का मैन ऑफ द मैच अवार्ड रहा है। ये अवार्ड गया है मिचेल स्टार्क के पास, जिन्होंने आज घातक गेंदबाजी की थी जिसके चलते इन्हें 5 लाख रुपए मिले इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करने के। दमदार परफॉर्मेंस इनकी गेंदबाजी में देखने को मिला और शुरुआत में ही विकेट चटका कर इन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के चैंपियन बनने की नींव रख दी थी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों अगले अवार्ड की हम बात करें तो वो अवार्ड था एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का, जो कि गया नीतीश कुमार रेड्डी को। नीतीश कुमार रेड्डी ने इस बार बल्ले के साथ साथ गेंद से भी कमाल किया। बल्ले से इन्होंने 300 से ज़्यादा रन बनाए जिसके चलते ये बने इस साल के एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, जिसके चलते इन्हें मिले 10 लाख रुपये, यानी कि दमदार परफॉर्मेंस इनका भी रहा। वहीं पर दोस्तों इसके बाद अगले अवार्ड की बात करें तो पंच सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन बने शानदार बल्लेबाजी करने वाले फ्रेजर मैकगर्ग। फ्रेजर मैकगर्ग का अवार्ड भले ही यहां पर ट्रेविस हेड ने रिसीव किया, लेकिन इस बार फ्रेजर की दमदार बल्लेबाजी देखने को मिली जिसके चलते वो इस बार टूर्नामेंट में पंच इलेक्ट्रिक सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन जीतने में कामयाब रहे। इनकी स्ट्राइक रेट 237 से भी ज़्यादा रही जिसके चलते इनको भी 10 लाख रुपये का इनाम मिला, यानी कि दमदार परफॉर्मेंस किया फ्रेजर ने, जिसके चलते ये शानदार तरीके से इलेक्ट्रिक सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड जीतने में कामयाब हुए। इसके बाद दोस्तों सुनील नारायण ने जीता अगला अवार्ड, जो कि था अल्टीमेट फैंटेसी प्लेयर। इन्होंने फैंटेसी में 1300 के आसपास पॉइंट दिए थे जिसके चलते ये बने माई 11 सर्कल अल्टीमेट फैंटेसी पॉइंट देने वाले खिलाड़ी, जिन्होंने दमदार परफॉर्मेंस बल्ले के साथ साथ गेंद से भी किया, जहां पर बल्ले से इन्होंने 488 रन बनाए। वहीं पर दोस्तों इसके बाद अगले अवार्ड की बात करें तो वो है एंजल वन सुपर सिक्सेस ऑफ द सीजन का अवार्ड। ये अवार्ड गया अभिषेक शर्मा के पास। अभिषेक ने इस बार दमदार बल्लेबाजी की और सबसे ज़्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज बने जिसके चलते इन्हें भी 10 लाख रुपए का यहां पर इनाम मिला। सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज रहे और इस बार तो इन्होंने जिस प्रकार का परफॉर्मेंस किया वो वाकई में लाजवाब परफॉर्मेंस था। प्लेई फाइनल में इनके बल्ले से बड़ी पारी ना देखने को मिली हो, लेकिन इस बार पूरे साल इन्होंने एंटरटेन करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। वहीं पर इसके बाद अगले अवार्ड की हम बात करें तो वो सुपर फोर ऑफ द सीजन का अवार्ड था, जो कि गया ट्रेविस हेड के पास। ट्रेविस हेड ने भी दमदार परफॉर्मेंस करते हुए सबसे ज़्यादा चौके जड़ने वाले बल्लेबाज बने। इन्होंने भी अपनी बल्लेबाजी से सबका मन मोह लिया था और सबसे ज़्यादा चौका लगाने के चलते ये बने इस बार के रूप में ऑन द गो फोर ऑफ द सीजन, सबसे ज़्यादा चौके लगाने वाले खिलाड़ी बनकर इन्होंने 10 लाख रुपये जीते। ट्रेविस हेड इस बार के सबसे घातक बल्लेबाजों में से एक रहे, जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी से गेंदबाजों में एक भय पैदा कर दिया था। वहीं पर इसके बाद दोस्तों हम अगले अवार्ड की तरफ आगे बढ़े तो ये अवार्ड रमनदीप सिंह को गया। रमनदीप सिंह इस सीजन में सबसे बेहतरीन कैच पकड़ने वाले फील्डर बन गए। इन्होंने लखनऊ के खिलाफ मार्कोस टोनिस का एक शानदार कैच पीछे की तरफ भागते हुए पकड़ा था और इस दमदार कैच के चलते ये सबसे बेहतरीन कैच का अवार्ड जीतने में कामयाब हुए। ये कैच वाकई में लाजवाब था, जहां पर इन्होंने पीछे की तरफ काफ़ी देर तक
गेंद का पीछा गया और इसके बाद शानदार कैच पकड़ने में ये कामयाब हुए, जिसके चलते इनको 10 लाख रुपए का अवार्ड दिया गया। यानी कि दोस्तों इन्होंने भी कमाल का कैच पकड़ के दिखाया। इसके बाद अगले अवार्ड की हम बात करें तो ये अवार्ड था सनराइज हैदराबाद की टीम को गया, जो कि फेयर प्ले अवार्ड था, जहाँ पर टीम सबसे ऊपर रही, जिसके चलते यहाँ पर पूरी टीम को 10 लाख रुपये का इनाम मिला फेयर प्ले अवार्ड। यानी कि इन्होंने काफ़ी शानदार तरीके से खेल के नियमों में रहकर खेल को खेला। वहीं पर इसके बाद अगले अवार्ड की हम बात करें तो ये अवार्ड हैं पर्पल कैप। पर्पल कैप इस बार शानदार परफॉर्मेंस करते हुए हर्षल पटेल ने जीता। हालांकि हर्षल पटेल यहां पर नहीं थे तो भुवनेश्वर कुमार ने इसे रिसीव किया, लेकिन दोस्तों पर्पल कैप के हम बात करें हर्षल पटेल की, तो उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 24 विकेट इस बार लिए, जिसमें कई बड़े बल्लेबाजों को इन्होंने धराशायी किया था, जिसके चलते ये सबसे ज़्यादा विकेट चटकाने में कामयाब हुए। भले ही पंजाब किंग्स का परफॉर्मेंस अच्छा ना रहा हो, लेकिन इस टीम के लिए यहाँ पर एक अवार्ड तो इन्होंने जीत लिया, वो पर्पल कैप का अवार्ड है। दूसरी बार इन्होंने अपने आईपीएल इतिहास में पर्पल कैप जीता और इन्हें भी 10 लाख रुपए का इनाम मिला। वहीं पर इसके बाद अगले अवार्ड की हम बात करें तो वो अवार्ड था ऑरेंज कैप का। ऑरेंज कैप इस बार जीतने में कामयाब हुए विराट कोहली, लेकिन ये कलेक्ट किया यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने, क्योंकि विराट यहाँ पर मौजूद नहीं थे। लेकिन विराट कोहली ने इस बार दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 741 रन बनाए और अपनी टीम को आखिर में शानदार परफॉर्मेंस करके प्ले ऑफ में कर जाने में सबसे बड़ी भूमिका विराट कोहली ने निभाई, जिसके चलते इन्हें भी ऑरेंज कैप के साथ 10 लाख रुपए का शानदार इनाम मिला। विराट कोहली ने साफ तरीके से यहां पर शानदार परफॉर्मेंस करके अकेले दम पर टीम को आगे लेकर जाना इस बार दिखा दिया। वहीं पर इसके बाद अगले अवार्ड की हम बात करें तो ये अवार्ड सुनील नारायण के पास गया। ये अवार्ड था मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का, जहाँ पर सुनील नारायण ने इस बार गेंद बल्ले के साथ कमाल किया, जिसके चलते ये सबसे वैल्यूएबल प्लेयर बनने में कामयाब हुए। इस बार इन्होंने बल्ले से जहाँ शतक ठोका तो वहीं पर गेंद से भी कई बार कमाल का परफॉर्मेंस करके दिखाया था, जिसके चलते सबसे बेहतरीन प्लेयर या यूँ कहे तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ये बने, जिसके चलते इन्हें 10 लाख रुपये का इनाम मिला और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को चैंपियन बनाने में सबसे बड़ी भूमिका इन्होंने निभाई। इसके बाद हम बात करते हैं अगले अवार्ड की, तो ये अवार्ड था यहाँ पर गया सनराइज हैदराबाद को रनर अप का, यानी कि उप विजेता रही, जिसके चलते सनराइज हैदराबाद को 12 करोड़ 50 लाख रुपए का इनाम मिला। सनराइज हैदराबाद ने इस बार कमाल का खेल दिखाया और टीम फाइनल तक का सफ़र करने में कामयाब हुई। हालांकि जीत से थोड़ी दूर रह गई, लेकिन फिर भी इस टीम को रनर अप के जरिए रनअप ट्रॉफी के साथ साथ 12.50 करोड़ रुपये भी मिले। इसके बाद चैंपियन टीम की हम बात करें तो वो रही कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसके चलते कोलकाता नाइट राइडर्स को 20 करोड़ रुपए का इनाम मिला। अब इस शानदार परफॉर्मेंस करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस बार चैंपियन बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और अंत में नतीजा इन्हीं के पक्ष में हुआ और ट्रॉफी इन्हीं के हाथ में आई। ट्रॉफी के साथ साथ 20 करोड़ रुपए का इनाम भी इस टीम को मिला। तो दोस्तों आपको कैसा लगा कोलकाता नाइट राइडर्स का चैंपियन बनना, क्योंकि कोलकाता ने जिस तरह का खेल दिखाया वो डिजर्व भी करती थी इस बार चैंपियन बनना, और अंत में इन्होंने इतिहास रच दिया और चैंपियन बनकर दिखा ही दिया कोलकाता नाइट राइडर्स ने। तो दोस्तों कौन सा खिलाड़ी और कौन सी टीम का परफॉर्मेंस आपको सबसे बेहतरीन लगा